नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एक्जो नोबल इंडिया शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जाने की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कंपनी की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होगा। जो रिपोर्ट है हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इस रिपोर्ट में दिया हुआ कंपनी के बारे में जानकारी, जो कंपनी की जनरल चीज़ें वो सब दिया हुआ है। पर दोस्तों, हम इस वीडियो में इस हर एक चीज़ को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबा बन जाएगा। ये जो जनरल चीज़ें, आप इसे बाद में डाउनलोड करके देख सकते हो, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे शेयर प्राइस टारगेट वैल्यू पर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 9 जुलाई 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 1882 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 5 साल के बाद ये 2023 में यह वैल्यू 2516 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर इसी महत्तम वैल्यू की बात करें तो ये 2548 रुपये के आसपास गई है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, 1882 से और 2548 के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिल रहा है, लगभग 700 रुपये का डिफरेंस मिला है। तो इससे कहा जा सकता है भाई, कंपनी ने जो पिछले 5 सालों में है ज़्यादा कुछ अच्छा रिटर्न निवेशकों को नहीं दिया है, क्योंकि यार इसमें 700 रुपये का सिर्फ बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते भाई, हमारे लिए जो निवेशक है उसके लिए एक प्लस पॉइंट नहीं गिना जा सकता है। और हमने यहाँ पे जो है एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ, जिसमें हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं भाई, कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको एक नेगेटिव पॉइंट में ऐड कर लिया है। अभी आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अभी हमें ये भी देखना होगा भाई, कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट बना रही है नहीं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 के टाइम में जो कंपनी है रेवेन्यू बना रही थी 2961 करोड़ रुपए का, और नेट इनकम जो थी 211 करोड़ की थी। और 2023 में यानी 5 साल के बाद जो कंपनी की रेवेन्यू है वो 3829 करोड़ का हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और जो नेट इनकम है वो 211 से हो गई है 335 करोड़, जो कि भाई ये भी अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी जो है लगातार अच्छा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बना रही है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी आती है भाई बात पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी क्या, संपत्ति में भाई जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे ऑफिस हो गए, गोडाउन हो गए, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, गिरावट हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 के टाइम में जो है कंपनी के पास 2097 करोड़ का संपत्ति थी, ठीक है। और 2023 में यह संपत्ति बढ़ के 2740 करोड़ की हो चुकी है, जो कि भाई इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 700 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो कि यह भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे जो कंपनी के एसेट्स है और रेवेन्यू सोर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, और 22 में कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया, और 2021 और 2021 में भी दो बार दिया। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत करते हैं, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी खुद तो प्रॉफिट बना रही है और निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न बेशक नहीं दिया है थोड़ा बहुत, पर जो है डिविडेंड का फ़ायदा दे रही है। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यानी जो कंपनी के पास खुद के शेयर रहे हुए हैं वो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने खुद के शेयर के 75% हिस्सा जो है अपने पास रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी अभी भी अपने 75% को शेयर बचा के रखे, बेचे नहीं है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के द्वारा ये जो होल्डिंग है 5.89 लगभग 6% की गई है, जो कि भाई ये भी एक अच्छा संकेत है, अच्छी होल्डिंग है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 2.86% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी जो विदेशी इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 3.15% की होल्डिंग की गई है, तो भाई ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर, तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी में कम मात्रा में होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, तो 13% लगभग कम मात्रा कही जा सकती है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भाई ये भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, इसमें टॉप कंपिटिटर्स दिए हुए हैं, कंपनी का फ्यूचर स्कोप किस तरह से जा रहा है वो दिया गया है, कंपनी आगे कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का सोच रही है, ठीक है, उसे आप बाद में रीड कर सकते हो डाउनलोड करने के बाद। अब बात करते हैं भाई शेयर टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये टारगेट वैल्यू एक अंदाजित वैल्यू है, ऐसा नहीं कि भाई किसी भी तरह का सजेशन है कि आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ठीक है। इससे आप जो है आपका डिसीजन लेने में आपको कुछ मदद मिल सकती है। तो ये एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई एक अंदाजित वैल्यू है। तो देखिए, 2024 में यह वैल्यू बताई जा रही है 2950 से 3050 रुपये के आसपास,
जाने की संभावना बताई जा रही है। 2025 के साल में यह वैल्यू 3650 से लेके 3740 रुपए के आसपास जाने की संभावना बताई जा रही है। और अगर 2030 में देखें तो भाई ये वैल्यू बताई जा रही है 6750 से लेके 7050 रुपए के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ अंदाजित वैल्यू, इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQs दिया हुआ है, जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ओवरऑल बात करें तो देखिए इसमें हमें 4 पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मिला है, जो कि ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प भी कहा जा सकता है या हो सकता है, ठीक है। इसकी जैसे जैसे अपडेट मिलेगी वैसे हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।